उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर थाना परिसर में बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि गदरपुर पुलिस को वाहन चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर गदरपुर पुलिस द्वारा टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुखबिर की सूचना पर लंगड़ा भोज दिनेशपुर मोड़ के पास से दीपक उर्फ साबी पुत्र दर्शन सिंह निवासी रामपुरा कंडेश्वरी थाना काशीपुर हाल निवासी कुलवंत नगर उधम सिंह नगर को एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। उक्त व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि चीनी मिल के जंगल की झाड़ियों व पेड़ों की आड़ में चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल व एक स्कूटी सहित 16 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि बाइक चोर गदरपुर में मार्केट व तोजा फोजा महतोश सूरजपुर से बाइक चोरी की थी। अभियुक्त ने बताया कि वह बाइक बाजार एवं गली मोहल्ले से कमजोर लॉक वाली व बिना लॉक वाली मोटरसाइकिल को चोरी कर गांव मोहल्ले में औने पौने दाम में बेच देता था। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है अपराध मुक्त उत्तराखंड हमें बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराधों के विरुद्ध काम करना है। आज साथियों मैं बताना चाहूंगा, बड़े हर्ष का विषय है, गदरपुर थाना पुलिस को बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। संगठित अपराध में एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है उनके विरुद्ध। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मिडिल क्लास परिवार को बहुत आहत पहुंचाने वाला एक अपराध होता है बाइक चोरी। तो आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। एक ऑटो लिफ्टर का, एक शातिर ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें टोटल 16 दोपहिया वाहन 16 बाइक्स रिकवर हुए हैं। बाइक्स और स्कूटी मिला के टोटल 16 दोपहिया वाहनों का रिकवरी हुई है और एक शातिर चोर को दबोचा गया है। बताना चाहूंगा कि पहले जो है एक FIR नंबर 219/2024 है, तो उसमें धारा 303 है, जो नई धारा है BNS का, तो उसके तहत लिखा गया था। उसकी खोजबीन में हमारा आईओ मुकेश मिश्रा और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। बताना चाहूंगा मैं, SO गदरपुर जसवीर चौहान, मुकेश मिश्रा और पूरी पुलिस टीम गदरपुर का, जिसमें चंदन प्रकाश है और गोरखनाथ है, जय प्रकाश और सूरज अधिकारी, इनका पूरा टीम है। CO बाजपुर हमारा अन्नाराम आर्या है और SP काशीपुर हमारा अभय है। इनकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स था, लगातार इसके पीछे पड़ के एक इनका हमने एक बेहतर काम करने की कोशिश किया कि केवल एक बाइक नहीं रिकवर किया, उससे सब पूछताछ करके उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ट्रेस आउट करके उसकी सारे CCTV हमने ट्रेस किया कि कब कब ये यहाँ पर आया, क्या क्या मूवमेंट रहा। तो उसकी CCTV ट्रेसिंग में हमें पता चल गया कि ये तो कई बार आया है और जब जब आता है वापसी में बाइक में जाता है। तो उसकी प्रकार के उसी प्रकार का ठीक सटीक CCTV के आधार पर इससे गहन पूछताछ करने के बाद ये निकल के आई, तो बहुत सारे वारदात इसने अंजाम दिया था। कुल मिलाकर इसी शातिर बाइक चोर ने 16 बाइकों की चोरी का अंजाम दिया था। तो इसका सब पूछताछ के उपरांत जो है ये सारी डिटेल्स टेक्निकल आधार पर जब निकल के आई, तो कुल मिलाकर इसमें एक बाइक के पीछे पड़े थे हमारी टीम, तो 16 बाइक्स की रिकवरी हुई है। टोटल 16 बाइक्स की रिकवरी हुई है, उसमें एक बाइक तो गदरपुर थाने से चोरी है, बाकी 15 बाइक्स किन किन थाने से गई है। हमारे अपेक्षा ये है कि हमारा जो एस्टिमेट ये है कि यूपी और दिनेशपुर और आपका रुद्रपुर और सितारगंज से भी, सितारगंज थाना क्षेत्र से भी ये चोरी में गए हुए। अब किन किन अभियोग में ये वांटेड है, ये सब हमें सत्यस्थित किया जा रहा है। साथियों पुनः बताना चाहूंगा, एक गदरपुर थाना पुलिस का बेहतरीन परफॉर्मेंस है कि एक शातिर बाइक चोर पकड़ा गया है, टोटल 16 बाइक्स रिकवर हुई है। तो अपराध अनावरण के अलावा जो है एक आम आदमी को परेशान करने वाला एक जो एक वारदात होती है, बाइक जो है जमा पूंजी पूरा इकट्ठा करने के बाद लोग जो है अपने सेविंग से बाइक खरीदते हैं। बाइक चोरी का वर्कआउट करना एक मिडिल क्लास को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो मैं बड़े हर्ष का विषय है कि ये 16 बाइक्स रिकवर हुई है। हमारा बहुत अंतरराज्यीय अभी एक बाइक्स का जो चोरी है वो सब भी खुलासा हुआ है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ₹2000 का कैश रिवॉर्ड मैं घोषणा करता हूँ और मुकेश मिश्रा को अगले महीने के लिए मैन ऑफ द मंथ के लिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। सर, जो आरोपी है दीपक उर्फ साबी है और ये रहने वाला है कुंडेश्वरी का, ठीक है, कुंडेश्वरी ग्राम रामपुरा कुंडेश्वरी का है, हाल निवासी है कुलवंत नगर जिला उधम सिंह नगर में रहता है। इसके ऊपर जो है टोटल 10 अलग अलग 11 अलग अलग मुकदमे रजिस्टर्ड है। तो विभिन्न 2021 से लेके अब तक बाजपुर गदरपुर काशीपुर अलग अलग जगह पे चोरी का मुकदमा भी है और गैंगस्टर भी लगा हुआ है। तो इसकी और कोई साथी अगर इन्वॉल्व है जो इस बाइक को खरीद फरोख्त करने में या फिर पार्ट्स को खुर्दबुर्द करने में जो भी इन्वॉल्व है, उनका भी तस्दीक किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर पुनः हम उन सबको
इकट्ठा करने के बाद, पूरा अनकवर करने के बाद हम गैंगस्टर पे कार्रवाई करेंगे। पुनः टीम को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस प्रकार बाइक चोरी, नकबजनी, इन सब का वर्कआउट करते रहना चाहिए, तभी जो है एक तो जनता को पुलिस में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अपराध वाकई में रुकता है। उनको लिखे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।